नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी घर पर हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार वालों का भी कोरोना एपिडेमिक से बचाव के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एक कॉमन बीमारी है पेट की। इसके बारे में आज हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है एवं ट्रीटमेंट और बचाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होता है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मतलब पेट या फिर छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा है, जिसको हम ड्यूडनम कहते हैं, इसकी लाइनिंग में कोई भी अल्सर का पाया जाना। तो इसके दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर। तो अगर पेट के हिस्से में अल्सर पाया जाता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, और अगर ड्यूडनम, जो कि छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा होता है, उसमें अगर अल्सर मिले तो हम इसे ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक पेट की कॉमन बीमारी है, जो कि सामान्यतः 100 लोगों में से अप टू 10 लोगों में, मतलब उनके जीवन काल के दौरान हो सकती है। तो एक कॉमन बीमारी है ये, और WHO के डेटा के हिसाब से हर 1000 में से 7 लोगों के मृत्यु का कारण भी ये पाई गई है इंडिया में। तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अगर इसके कारणों की हम बात करें तो मुख्यतः दो कारण हैं, जिसमें कि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जिसे हम हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं, वो होता है, और दूसरा अगर लंबे समय तक आप दर्द निवारक गोलियों का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी एक इसका मुख्य कारण है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, एच पायलोरी, जो कि एक कॉमन कारण है, इसके फैलने का तरीका अशुद्ध खाना पानी इससे होता है। तो इसके बचाव के लिए आपको हमेशा खाना, प्रॉपर हाइजीनिक खाना खाना और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दूसरा मैंने बोला दर्द निवारक गोलियां, तो ये अगर आप लंबे समय तक कोई भी दर्द की गोलियां लेते हैं, बदन दर्द, घुटनों का दर्द, खासकर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको ये अल्सर का प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि दर्द निवारक गोलियों का उपयोग आप डॉक्टरी सलाह से करें और सीमित समय के लिए करें। कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि TB, क्रॉन्स डिजीज, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में अल्सर पैदा करते हैं पेट में। इसके साथ ही साथ अगर आप शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो ये सब पेप्टिक अल्सर डिजीज के रिस्क को बढ़ाती हैं। साथ ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी आपके अल्सर के इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। तो इन सबसे बचाव भी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप ऐसी कोई दवाइयां लेते हैं जिसमें खून पतला करना, जैसे एस्पिरिन, वारफेरिन, अगर ये सब दवाइयों का आप सेवन करते हैं, तो आपको अल्सर के रिस्क, आम लोगों के कंपैरिजन में अल्सर होने का रिस्क आप में ज़्यादा होता है। तो आपको इन सब में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप ये सब मेडिसिन ले रहे हैं तो आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मुख्यतः सिम्टम्स जो हैं वो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टी होना, जलन होना, पेट का भारीपन रहना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना। सिम्टम्स शुरुआती दौर में इससे शुरुआत होती है, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं, जैसे खून की उल्टी होना या मल द्वार के द्वारा खून का रिसाव होना, या इवन आंतें फट जाना, आंतों में रुकावट होना, मतलब परफोरेशन होना या ऑब्स्ट्रक्शन होना, ये एडवांस डिजीज में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर इनका ध्यान हम नहीं रखते हैं अल्सर, तो कभी कभार ये आगे चल के पेट के कैंसर का भी कारण बन सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शुरुआती लक्षण को पहचानें और प्रॉपर सलाह लें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर आगे चल के परफोरेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मैंने जो आगे कॉम्प्लिकेशन बोले आपको, कैंसर होने की संभावना, अगर ये सब होता है तो फिर आगे चल के सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है।
अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो मोस्टली ये एंडोस्कोपी, एक सिंपल एंडोस्कोपी के द्वारा, जिससे आपके पेट की या छोटी आंत की दूरबीन के द्वारा जांच होती है, और ये ओपीडी प्रोसीजर होता है मोस्टली। इसके द्वारा आसानी से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे हमने कारणों की बात करी थी, उसमें एच पायलोरी बैक्टीरिया की हमने बात करी थी, तो उसका डायग्नोसिस के लिए भी एंडोस्कोपी के समय ही एक छोटा सा बायोप्सी टेस्ट, जिसे हम रैपिड यूरिएज टेस्ट कहते हैं, वो करके इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। अगर एंडोस्कोपी के वक्त हमें ऐसा कोई संभावना लग रही है, कोई गठान, कैंसर, अल्सर, तो कई बार बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है उसे कन्फर्म करने के लिए। मोस्टली एंडोस्कोपी ही सफिशिएंट होता है, लेकिन कभी कभार अगर और कोई डाउट है तो हमें सीटी स्कैन या फिर ब्रेथ टेस्ट, ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ एक अल्सर के बारे में ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बोला, इसका सिम्टम पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टी होना, लेकिन कुछ और भी बीमारियाँ हो सकती जिसमें ये समान सिम्टम्स हों, जैसे पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लडर की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें डॉक्टरी सलाह से ये सब चीज़ों को भी जाना जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जा सकता है। अगर अल्सर डिजीज़ के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप एक बार डायग्नोसिस हो चुका है, आपकी एंडोस्कोपी हो चुकी है, अल्सर डिजीज़ पता चल चुका है, तो औषधियाँ दी जाती हैं जिसमें कि पेट में औषधियों के द्वारा आपके एसिड लेवल को कम किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ऐसी मेडिसिन। और अगर एच पायलोरी इन्फेक्शंस है तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है आपको, जो कि सीमित समय के लिए होता है, और इससे ट्रीटमेंट पूरी तरह से अल्सर को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने बोला आपको खून की उल्टी है, परफोरेशन है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये चीज़ें आपके लिए कई बार जानलेवा हो सकती हैं, हॉस्पिटल में आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ब्लीडिंग है अल्सर से, तो 95% केसेस में यह एंडोस्कोपी के द्वारा ही डील किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप दर्द निवारक गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो इससे बचाव करें, इससे बचें, या फिर सीमित समय के लिए डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसका उपयोग करें। आप अगर अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ का सेवन करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, तो इसे आपको छोड़ना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके रिस्क को बढ़ाते हैं। और बचाव के अगर और हम कारणों की बात करें तो इसमें आपको एक हाइजीनिक खाना लेना होता है ताकि आप बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बार बार बच सकें। एक हाइजीनिक खाना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल, जैसे मैंने बोला, ये सब चीज़ों से बचें, आप भरपूर पानी लेवें और अच्छे से फल एवं सब्जियों का उपयोग करें। तो इनके द्वारा हम पेप्टिक अल्सर डिजीज से बच सकते हैं। और जैसा कि हमने मैंने आपको मुख्य कारणों और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एक बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी और आप इससे बचाव के कारण और ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको सिम्टम है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप डॉक्टरी सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें। धन्यवाद।